कहा करती थी जब भी मैं आता था कि मैं चाचा जी को कहा करती थी मैं पहले जाऊंगी, आप बाद में जाओगे, और उनकी तमन्ना ये थी कि मैं सुहागन जाऊँ। अंतिम टाइम में भी यही हुआ कि जब वो थोड़े सीरियस से हुए तो वो कहने लगी नहीं मैं पहले जाऊंगी। तो उन्होंने एक हमने उसमें नाम नाम की माला करी। माला होने के तुरंत बाद उनको एकदम इतना तगड़ा अटैक आया कि उनके पानी दिया जैसे मुँह से झाग निकल गए और वहीं हमारे चाचा जी के चरणों में प्राण त्याग किए। आजकल की अधिकतर पत्नियों का बस एक ही रोना रहता है, हमारी तो किस्मत फूट गई थी जो मेरी शादी तुमसे हो गई। मगर ऐसी तमाम पत्नियों के बीच सोनीपत के लाजपत नगर में रहने वाली द्रौपदी नाम की एक ऐसी पत्नी थी जिसने जिंदा रहते हुए अपने पति का हर कदम पर साथ निभाया और मरते मरते भी ऐसी मिसाल कायम कर गई कि लोग सदियों तक उसके प्यार की मिसालें दिया करेंगे। जी हाँ, हमारे देश में सात फेरों के साथ साथ जन्मों तक साथ निभाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, और आज ये परंपरा लाजपत नगर में उस वक्त धरातल पर देखने को मिली जब मौत के मुंह में जाते बुजुर्ग पति के पैरों में ही पत्नी ने दम तोड़ दिया, और फिर दोनों पति पत्नी की अर्थियां एक साथ उठी और एक ही चिता पर दोनों पंचतत्व में विलीन हो गए। मेरे पूज्य चाचा श्री मनोहर लाल जी बहुत बीमार रहते थे, तो वो सोमवार की शाम को थोड़ा ज़्यादा बीमार हो गए और सीरियस से हो गए। तो हमारी चाची जी ये कहा करती थी जब भी मैं आता था कि मैं चाचा जी को कहा करती थी मैं पहले जाऊंगी, आप बाद में जाओगे, और उनकी तमन्ना ये थी कि मैं सुहागन जाऊं। और अंतिम टाइम में भी यही हुआ कि जब वो थोड़े सीरियस से हुए तो वो कहने लगी नहीं मैं पहले जाऊंगी। तो उन्होंने हमने उसमें राम नाम की माला करी। माला होने के तुरंत बाद उनको एकदम इतना तगड़ा अटैक आया कि उनके पानी दिया जैसे तो मुँह से झाग निकल गए और वहीं हमारे चाचा जी के चरणों में प्राण त्याग दिए। और उनकी भावना दोनों की यह भी थी कि समाज सेवा करनी चाहिए, अपने बेटों को भी यही शिक्षा दी कि समाज की सेवा करते रहना, पीछे मत हटना। चाची का जो है देहांत जैसे ही हुआ तो उसको हम हॉस्पिटल ले गए, जैसे वापस आए तो आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे चाचा जी ने भी प्राण त्याग दिए। और उनकी जो मन की भावना थी कि मैं पहले जाऊं, और वो परमात्मा ने उनकी भावना को पूरा किया और वो वास्तव में ही आधा घंटा पहले ही गई। और फिर दोनों का संस्कार जो है एक ही कुंड में इकट्ठा किया गया। 80 साल के मनोहर लाल और 70 साल की द्रौपदी, इन दोनों की शादी आज से 51 साल पहले हुई थी, और शादी के बाद से द्रौपदी और मनोहर लाल के बीच इतना गहरा प्रेम हो गया था कि द्रौपदी हमेशा कहा करती थी कि मैं आपसे पहले दुनिया छोड़कर जाऊंगी। परिजनों के मुताबिक मनोहर लाल पिछले काफी दिनों से बीमार रहते थे जबकि द्रौपदी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। बीते दिन जब मनोहर लाल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और लगने लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, तो पति को देख द्रौपदी को ऐसा सदमा लगा कि देखते ही देखते उसे दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद पहले द्रौपदी ने दम तोड़ा, फिर आधे घंटे बाद मनोहर लाल ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। हाँ, चाची हमारी भी ये तमन्ना थी कि मैं चाचा जी से पहले जाऊँ, सुहागन ही जाऊँ, भाई बाद में मेरी मृत्यु ना हो, उनसे पहले ही मेरी मृत्यु हो। चाचा जी हमारे बीमार रहते थे, तो हमें कोई ये हमने कहा भाई वैसे ही कहते हैं सारे, ये भी कहती होगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सच करके दिखाया। मानते हो कि भगवान की लीला? हाँ, भगवान के साथ उनकी ऐसी जोत मिली कि जैसे उन्होंने भगवान को ये कहा कि भाई मेरे को पहले ही ले लो, तो वो उन्होंने परमात्मा ने उनकी सुनी और उनको आधा घंटा पहले ही ले लिया। ऐसी घटना कभी देखने को ना, ऐसी घटना हमें आज तक ना हमने देखी अपने जिंदगी में, ना हमने आसपास कहीं सुनी। चाचा क्या नाम था? चाची श्री मनोहर लाल जी जौहर था मेरे चाची का नाम, और चाची जी का नाम श्रीमती द्रौपदी देवी था। कितने बच्चे हैं? बच्चे उनके दो तो लड़के हैं, एक का नाम है महेश जौहर जो बड़ा है, और छोटा है सुरेश जौहर। और उनकी दो बेटियां हैं, एक का नाम अनीता। कितनी उम्र थी चाची की? चाची की उम्र हमारी 70 साल थी और चाचे की उम्र 80 साल थी। और उन्होंने अंतिम समय एक बात और भी कही थी कि मैं हमारे अपने दोनों जने आंखें दान करेंगे, तो उनकी भी हमने वो भावना जो उनकी अंतिम इच्छा थी वो भी हमने पूरी की। इन दोनों ने ही
अपनी दोनों आंखें नेत्र दान किया है। तो कुल मिलाकर सात जन्मों तक साथ निभाने की परंपरा हमारे देश में केवल कहावतों में ही नहीं है, बल्कि धरातल पर भी पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम की सच्चाई आज भी अपने वजूद में है। परिवार और गांव के लोग बताते हैं कि मनोहर लाल और द्रौपदी के बीच अटूट प्रेम था और दोनों सात जन्मों तक साथ रहने की बात भी करते थे। इतना ही नहीं, मनोहर लाल और द्रौपदी सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे, जिसमें वो गरीब बेटियों की शादियां भी करवाते थे। बहरहाल मनोहर लाल के घर में दो दो मौत के बाद मातम तो जरूर है, लेकिन दोनों के बीच जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी अटूट प्रेम और विश्वास को देख परिवार का हर सदस्य हैरान भी है और मौत पर दुखी भी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब की सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।